हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बिशप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ बिजनेस स्टडी, हाउ टू मैनेज फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। As you know, according to CBSC syllabus, you have to know about concept and objective of financial management. Financial management का क्या objective होता है, क्यों financial management करते हैं, क्या उसका concept है। Next है financial decisions, कौन कौन से financial decision किसी business organization के under में लिए जाते हैं, जैसे investment decision, financing decision, dividend decisions, like this. And some important points which are affecting to the financial decisions like that. Next, financial planning, how to plan your financial activities. Capital structure, what will be the capital structure of any business organization, how to manage the capital, how to the receiving the source of capitals from another institutions or shareholders, debenture holders, like that. Fixed and working capital, capital bhi do tarah ke hote hain, fixed and working capital. To fixed aur working capital ke hisab se hum uska kya karte hain, manage karte hain, theek hai। To ye cheeze aapko syllabus mein aapko padhne hain is chapter mein, jisme hum starting karte hain concept of financial management। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज़ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द कंसर्न विद द ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट, क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। फर्स्ट चीज कि हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अब वो कैपिटल आपके पास पर्टिकुलर कैश भी हो सकता है, आप किसी फ्रेंड से भी ले सकते हैं, आप बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है, अदर सोर्सेज से भी आप ले सकते हैं। तो ऐसे ढेरों सारे जो चीज़ें हैं वो इसमें मैनेज की जाती है। तो यूजिंग ऑफ फाइनेंस, हम फाइनेंस का कैसे यूज करें, पहली बात तो कलेक्शन हो गया, दूसरा ये होगा कि हम फाइनेंस का कैसे यूटिलाइजेशन करें। जैसे आपको कोई पैसा दे दिया जाए, आपके पेरेंट्स दे दे पैसा कि बेटा ये ले जाओ और आप ये काम करो, तो हाउ टू मैनेज द मनी विच आर गिवेन बाय योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स के दिए हुए उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, किस किस पॉइंट पे यूज करेंगे। अब वो चीजें आप अपने उस पैसे का आप मिसयूज भी कर सकते हैं और उसका पॉजिटिव यूज भी कर सकते हैं, जिसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकले। जस्ट लाइक यू मे गिव योर फीस इन स्कूल और यू मे एंजॉय ए पार्टी इन ए रेस्टोरेंट विद योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ उस पैसे को एंजॉय भी कर सकते हैं और उस पैसे का आप स्कूल में फीस भी दे सकते हैं, उस पैसे का आप ट्यूशन फीस भी दे सकते हैं, आप उस पैसे से किसी का हेल्प भी कर सकते हैं। मतलब उस पैसे का आप ढेरों सारे उसके रूट्स हैं जिसमें आप उसका यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द बेटर यूज ऑफ योर मनी, दिस इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपका सबसे बेटर यूज क्या है मनी का, वो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये बेटर यूज तभी पॉसिबल हो सकता है जब फाइनेंस का आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। मींस इन अदर वर्ड्स, इट कैन बी डिफाइंड एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। कैसे, हम कोई प्लानिंग करते हैं तो उसका बजट तैयार करते हैं, उस बजट के अकॉर्डिंग हम वो सोर्स ऑफ मनी, सोर्स ऑफ फाइनेंस को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। डायरेक्टिंग, उसको सही डायरेक्शन में हम उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं।
प्लानिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग, हम उसके फ्लो के फ्लो पर भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो हमारा मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कहता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनिमम वेस्टेज एंड यू हैव टू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए और मिनिमम वेस्टेज आप उससे क्रिएट करें। तो ये चीजें हैं फॉर ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लाइक डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक, प्रिफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग एक्सेट्रा। तो ये सब सारी चीजें आपके सोर्स ऑफ फाइनेंस है। डिबेंचर्स आप मार्केट से आप लोन भी ले सकते हैं, इक्विटी शेयर्स आप अपने कैपिटल को इक्विटी शेयर में आप उसको डिवाइड करके और उस शेयर को आप इश्यू कर देते हैं, जिससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर परचेज करके आपके कैपिटल को इंक्रीज कर दे। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, और बैंक से आप लॉन्ग टर्म लोन 5 साल 10 साल के लिए आप लोन भी ले सकते हैं, उसको फाइनेंस कर देता है बैंक। प्रिफरेंस शेयर्स, कुछ प्रिफरेंशियल शेयर्स भी होते हैं जिसको आप इश्यू कर सकते हैं। रिटेन अर्निंग, आपके पास जो अर्निंग है आप उससे भी उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, उससे भी मैनेज कर सकते हैं। तो लाइक दिस, इस तरह के फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, आर कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट एंड एसोसिएटेड रिस्क। सिमिलरली द फाइनेंस सो प्रोक्योर नीड टू बी इन्वेस्टेड इन सच ए मैनर दैट रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एक्सीड द कॉस्ट एट विच फंड्स हैव बीन प्रोक्योर। जो हम ये फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट करते हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उससे कितना हमको रिटर्न मिलता है, और रिटर्न तभी मिलता है जब आप रिस्क लेते हैं। आपको रिस्क पहले, आप जैसे एक कहावत कही जाती है कि पहले खर्चा फिर चर्चा। पहले व्यक्ति क्या करता है, पहले खर्चा करता है तब वो चर्चा में आता है, ठीक है। वही चीजें, पहले हम पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो हम जब पैसा लगाते हैं और तब उसके बाद उस पर रिटर्न की उम्मीद करते हैं। आप बैंक को अगर 1 लाख रुपए उसको 8 साल के लिए देंगे तभी उसका वो 2 टाइम्स करके देगा, यानी कि पहले आपने उसमें लगाया और बाद में आपको रिटर्न मिला, यानी कि पहले आप उसको, आपको रिस्क लेना पड़ेगा उस 5 साल तक। हो सकता है बैंक भाग जाए, इस तरह की चीजें हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, टाइम्स और बढ़ जाए, तो ऐसे ढेरों सारे ये जो है इंस्टेबिलिटी रहती है उसमें, इनस्टेबिलिटी रहती है, फिर भी आप रिस्क लेते हैं, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल ये मैनेजमेंट होता है ये ऑलरेडी ये रिस्क पे डिपेंड करता है कि जो जितना रिस्क लेता है उसको उतना ही रिटर्न मिलता है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुआ। अकॉर्डिंग टू जेल मैसी के अकॉर्डिंग जो डिफिनीशन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फंड्स नेसेसरी फॉर इफिशियंट ऑपरेशन। कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो एक ऑपरेशनल एक्टिविटीज है, हम किस किस ऑपरेशन में कितना पैसा खर्च करते हैं और वो इफिशियंट ऑपरेशन होना चाहिए। जैसे बात क्या है कि आप स्कूल में फीस देके पढ़ रहे हैं, रिटर्न क्या है, आपका पास होना। अगर आप पास नहीं होते हैं इसका मतलब वो आपने, आपकी इफिशियंट ऑपरेशंस नहीं हुआ, आपने इफिशियंट इफेक्टिवली आपने वर्क नहीं किया, इसलिए रिटर्न आपको फेल के रूप में मिला। यानी कि जो गार्जियन इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्ट में आपको एज ए रिजल्ट के रूप में आपके पास उनको चाहिए, टॉप करना चाहिए आपको, तो वो आपका एक इफिशियंट ऑपरेशन होता है। यानी कि हम जहां नेसेसरी हो, जहां नीड्स हो, हम वहीं पे मनी को क्या करें, एक्सपेंस करें, ठीक है, वहीं पे स्पेंड करें। ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू जीएल मैसी। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, विच मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू और प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। शेयर होल्डर्स वेल्थ कैसे, हम उसको फार्मूला है उसका, नंबर ऑफ शेयर होल्ड,
एंड मार्केट प्राइस पर शेयर। कैसे हम शेयर होल्डर्स के वेल्थ को कैसे हम उसको हम क्या करते हैं जानते हैं कि कितना शेयर होल्डर्स फंड है, वो कैसे कि आप जितने इक्विटी शेयर्स आप इश्यू करेंगे और उसका मार्केट प्राइस, सपोज करिए आपने 1000 इक्विटी शेयर्स आपने इश्यू किए और 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, अगर 100 रुपीज के आपने 1000 शेयर आपने इक्विटी शेयर्स इश्यू किए, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 100 यानी कि कितना हो गया 1,00,000 रुपीज, क्या हो गया इसका क्या हो जाएगा आपका शेयर होल्डर्स वेल्थ हो जाएगा। यानी कि शेयर होल्डर्स क्यों इश्यू करती है कंपनी, इसलिए कि कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न करती है तो जैसे कंपनी जो कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करती है वैसे ही उसका प्रॉफिट इंक्रीज करने से उसका शेयर जो शेयर का मार्केट प्राइस है वो भी इंक्रीज करता है, और जब किसी भी शेयर कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस इंक्रीज होता है तो कंपनी का शेयर होल्डर्स वेल्थ भी क्या होता है इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है उस कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, और कंपनी के शेयर परचेज करते हैं तो कंपनी का कैपिटलाइजेशन होता है, और कंपनी का कैपिटल इंक्रीज करता है तो कंपनी का ग्रोथ होता है, एक्सपेंशन होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और उसके जो डिपार्टमेंट है डिविजन्स है वो भी क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं। जैसे रिलायंस है, ढेरों सारे रिलायंस टेक्सटाइल्स है, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन है, रिलायंस सॉफ्टवेयर, जो भी ढेरों सारे कंपनियां हैं उसके, वैसे ही टाटा के TCS है। ठीक है, तो ऐसे बिरला के ग्रुप के ढेरों सारी कंपनियां, तो बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो ऐसे क्या है कैसे उनके कंपनी इतने ज़्यादा बढ़े, क्यों, क्योंकि उनकी प्रॉफिट अर्निंग बढ़ी, उनके शेयर होल्डर्स वेल्थ बढ़ा, उनका एक्सपेंशन हुआ, उनका ग्रोथ हुआ, और उनके ग्रोथ के कारण वो कंपनी कई डिवीजन में डिवाइड हो गई, कोई सॉफ्टवेयर डिवीजन है, कोई पेट्रोकेमिकल्स डिवीजन है, कोई टेक्सटाइल डिवीजन है, तो ऐसे ढेरों सारे डिवीजन में उस कंपनी का एक्सपेंशन हो जाता है। तो कैपिटलाइजेशन के कारण ही कोई कंपनी क्या करती है, ग्रोथ करती है। नेक्स्ट चीज है फर्स्ट शेयर इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फंड्स एट ए रीजनेबल कॉस्ट। सबसे पहले क्या चीज है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि जो हमारा जो फाइनेंशियल जो एडिक्वेशन होता है, जो फंड हम कलेक्ट करते हैं वो एक रीजनेबल कास्ट पे होना चाहिए, एक उसका एक रीजनेबल कास्ट होना चाहिए। व्हेन एवर नीडेड एडिक्वेट फंड्स मस्ट बी ऑब्टेन एज ए रीजनेबल कास्ट कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल सो दैट सम वैल्यू एडिशन टेक्स प्लेस। क्यों हम एक रीजनेबल कास्ट रखते हैं कि हम 100 रुपीज रखेंगे अपना पर शेयर, एक रीजनेबल कॉस्ट हो गया। अब अगर कंपनी प्रॉफिट इंक्रीज होती है तो ये 100 रुपीज का शेयर अगर 120 रुपीज में सेल हुआ, यानी कि इस पर क्या हुआ, इसका वैल्यू एडिशन टेक प्लेस, और इस पर वैल्यू क्या हो गया, ऐड होता गया 20 रुपीज, इसका वैल्यू होने का मतलब कंपनी का शेयर वेल्थ बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योरिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि जो फाइनेंस हम कलेक्ट कर रहे हैं उस फाइनेंस का एक बेटर यूटिलाइजेशन हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसका एक इफेक्टिव ऑपरेशन एक्टिविटीज में उसका यूटिलाइजेशन हो। व्हेन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज टेकन, जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब लिया जाता है तब इन्वेस्टमेंट किस तरह का इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ। क्यों, क्योंकि ये विद इन ईयर चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेक श्योर दैट बेनिफिट्स आर रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एक्सीड द कॉस्ट शो दैट द वैल्यू एडिशन इज इवन हायर। क्यों, क्योंकि आज हम मशीनरी परचेज करेंगे, लैंड परचेज करेंगे, तो वो एक दिन के लिए नहीं होगा, एक महीने के लिए नहीं होगा, और एक साल के लिए नहीं होता है, वो कई साल हम उस मशीन से वर्क लेते हैं और उसे रिटर्न लेते हैं। मतलब उस पर जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे अच्छा हम उस पर रिटर्न लेते हैं। इट इज क्लियर। सिंपल सा एक बात बताऊं आपको कि एक फोटोकॉपी मशीन होती है, आप फोटोकॉपी मशीन परचेज करते हैं तो जितने का आप कास्ट का उसको परचेज करेंगे, कहीं उससे चार गुना कास्ट का आप फोटोकॉपी कर करके
आप उससे पैसे कमा सकते हैं। तो ये हुआ उसका इन्वेस्टमेंट आपने किया और उसका अच्छा एक रिटर्न आपको मिला। एक सिंपल सा एक छोटी सी मशीन का मैं एग्जांपल दिया हूँ, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है जिस पर हमको इन फ्यूचर अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, ये सोच समझ के हम इंश्योर करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फंड्स। हम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, जो फंड्स हमने यूटिलाइजेशन करना है, जो फंड्स हमने कलेक्ट किए हैं, उसको हम सेफ्टी भी प्रोवाइड करना चाहिए। सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मस्ट एम टू इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड बाय द क्रिएटिंग रिजर्व्स, री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। करते क्या है कि हम जो फंड्स कलेक्ट होते हैं उस फंड से जो प्रॉफिट होता है हमको, उस प्रॉफिट में से हम रिजर्व क्रिएट करते हैं। जो प्रॉफिट होता है उसमें उसको प्रॉफिट को हम कहीं दूसरी जगह फिर से री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो रिजर्व हमारे पास है वो रिजर्व है ताकि जो कभी लॉस हो, जैसे आपने पार्टनरशिप में पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया अगर उससे इन्वेस्टमेंट पर फ्लक्चुएशन हुआ उसके मार्केट प्राइस में, तो जो आपका फंड है वो उससे क्या करेगा, रिकवर कर लेगा। नेक्स्ट चीज, वैसे ही आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट से, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट करने से क्या होता है, जो अटेंडम कोई ऐसा इंसिडेंट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में और वर्कर्स को पे करना हो तो आप उस रिजर्व से पे कर देते हैं अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। इट इज क्लियर। नेक्स्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।